हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। और आज का जो ये वीडियो है, आज की जो क्लास है, वो हमारी बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा, जो हमारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं नाव और धारा से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका आज हम पार्ट फर्स्ट देने जा रहे हैं। और इस पार्ट फर्स्ट में, इस वीडियो में, हम आपसे केवल बात करेंगे, आज केवल और केवल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है, कि हमें क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है। और आगे जो अगला इसका पार्ट आएंगे, जो अगले पार्ट आएंगे, उसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको ढूंढने के लिए आप हमारे चैनल में जाएंगे जब, तो उसमें होम होता है, होम के बगल में वीडियोज़ होता है, वीडियोज़ के बगल में प्लेलिस्ट, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट के नीचे आपको टॉपिक वाइज हर वीडियो टॉपिक वाइज वहीं पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात सब करने जा रहे हैं नाव और धारा, ठीक। तो देखिए, नाव और धारा में सबसे पहली जो तीन चीज़ें होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो तीन चीज़ें होती कौन कौन सी हैं, तो देखिए, चाल, दूरी और समय। इन्हीं तीनों चीज़ों पर ये नाव और धारा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिपेंड रहते हैं, ठीक है। केवल यही तीन चीज़ें आपको चाल देगा, कहो दूरी पूछे, कहो समय पूछ दे, या चाल भी पूछ सकता है, तो इन्हीं तीनों में से कोई चीज़ पूछेगा, कोई बताएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो हमने पढ़ा है, देखिए इनमें करना क्या है, हमें तीन चीज़ें हैं ना, कौन कौन सी, चाल, दूरी और समय, ठीक है। इनमें हमें जो हमने पढ़ा है वो होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। इसके बाद दूरी से हमने, अगर मान लो को चाल दे दी जाए, समय दे दिया जाए, तो हम दूरी निकाल लेते थे, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया गया क्वेश्चंस, कोई भी दे दिया गया कि एक गाड़ी है, उसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब इसका जो मतलब हुआ कि 10 किलोमीटर चल रही है कितने देर में, एक घंटे में, जो प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में वो 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक। अब तुमसे पूछ दे कि दूरी बतानी है, ठीक, तो यहाँ उसने बात की है कि एक घंटे की, ठीक है ना, प्रति घंटे चल रही है, तो हमें दूरी अगर ऐसे ही बतानी है तो हमने सीधे कर दिया कि दूरी बराबर चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय एक घंटे में चल रहा है, तो 10 किलोमीटर चाल चलेगी, है ना, दूरी उसकी 10 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन अब यही कह दे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितना कितने घंटे, 5 घंटे चलती है, ठीक है, 5 घंटे चल रही 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हमने क्या किया, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, समय कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, समय 5 घंटे, तो पूरी दूरी कितनी चलेगी, वो 50 किलोमीटर, कितनी चल देगी दूरी, 50 किलोमीटर दूरी चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अगर इसके बाद इन्हीं से हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या इसमें दिया जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, आगे की बात हम करते हैं। तो देखिए, अब इसी में चाल बराबर भी फार्मूला होता है, चाल बराबर, देखिए चाल हमें अगर निकालना है तो हमने मैथ में पढ़ा है कि जो बराबर के उस तरफ जो चीज़ गुणा में होती है वो इधर आ जाती है तो भाग में हो जाती है, ठीक है, या जोड़ने में हो तो घटाने में हो जाती है, हमारे गणित का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, रूल होता है। तो हमें चाल निकालनी है, समय को हम इधर ले आएंगे, तो चाल बराबर बन जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। इसके बाद दूरी हो गई, चाल हो गई, हमें अगर समय निकालना है तो समय बराबर हो गया हमारा, समय इज इक्वल टू, समय निकालना है, हम चाल की तरफ पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई, ठीक। तो नाव और धारा में सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो हमारी यही तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, देखिए दोस्तों, जो चाल है वो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी, तो हमसे कहेगा कि मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने को कहेगा, और या तो कहेगा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए चाल, ठीक है। मतलब आपको जो चाल होगी
या तो मीटर पर सेकंड में दी जाएगी या किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाएगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो कहा उसमें कह दे कि हमें जो चाल ज्ञात करनी है वो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है, तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? इनको हम कन्वर्ट करने का अभी आपको केवल ऐसे ही एक यूजुअली चीज़ बता दे रहे हैं, इसके बाद हम इसका एक अलग से वीडियो आपको देंगे, ठीक है? तो अभी आप ये देख लीजिए। अब देखिए, अगर किसी को किलोमीटर प्रति घंटे को अगर चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ होती है हमें याद रखना है हम 5/18 से गुणा करा देंगे, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो चाल, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करा देंगे उसमें, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो फिर क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे हम 18/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए, अब चालें हमें कैसे कैसे दी गई होंगी, तो हम कुछ चालें आपको बता दे रहे हैं जो कि आपको याद भी रहेंगी, और अगर वो पेपर में आ जाएंगे तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। आसान सी चालें कुछ हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसा कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लो कोई मीटर पर सेकंड में दिया होगा, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो 5 का टेबल होता है, ठीक है, 5 का टेबल हम पढ़ते हैं, तो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5×5 = 25, ठीक है। आप इसी तरीके आगे ही बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हमें इधर क्या करना है, इधर हमें 18 का टेबल पढ़ते जाना है, 18 × 18 = 36, 18 × 13 = 54, 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90, ठीक है। हमें क्या करना है, इधर 5 का टेबल मीटर प्रति सेकंड में, अगर 5 का टेबल आपको दिख जाए तो आपको उधर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18 का टेबल आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर मान लो 18 वाला टेबल किलोमीटर प्रति घंटे में मिल जाए, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। मान लो जैसे हमने 15 आया कि 15 मीटर प्रति सेकंड, अभी हमने छिपा दिया है, ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर मान लो हमने कहा कि 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, तो हमें 5 के टेबल से देखना है कि 5 × 15, मतलब 5 में 3 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो 18 में भी हम 3 का करा देंगे तो 54 आएगा, तो ये 54 चेंज हो जाएगा काहे में, किलोमीटर प्रति घंटे में, 15 मीटर प्रति सेकंड को 54 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए इसको। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, हमें नाव और धारा से कुछ रिलेटेड जो संबंधित जो चीज़ें हैं वो हमें कुछ अपने याद रखनी है हमें अपने लिए, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो देखिए, हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा हमसे या तो नाव की चाल पूछेगा या धारा की चाल पूछेगा, ठीक है। तो जो नाव की चाल होती है, नाव की चाल उसको हम मान लेते हैं एक्स, और जो धारा की चाल होती है उसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो हमसे या तो नाव की चाल पूछेगा और या फिर धारा की चाल, इन्हीं दो चीज़ों पर पूरी बातें डिपेंड रहती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें कुछ जो याद रखने योग्य बातें होती हैं वो कौन कौन सी बातें होती हैं, तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस कौन कौन से अभी पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चंस का अगला वीडियो आपको, एक नहीं काफ़ी वीडियो आपके समक्ष आएंगे क्वेश्चंस के, ठीक है, नाव और धारा से रिलेटेड। तो हम अभी पढ़ रहे हैं नाव और धारा से रिलेटेड, तो हमें महत्वपूर्ण कुछ दो चीज़ें हैं वो हमें देखनी है। जो विपरीत दिशा में चालें होती हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चालें वो हमेशा जुड़ती हैं, ठीक, और समान दिशा में होंगी, एक दिशा में, ठीक है, तो चालें क्या होंगी, घटती हैं। बस यही दो चीज़ें हमें ज़्यादातर ध्यान देनी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर विपरीत दिशा में चालें हैं तो वो जुड़ेंगी, और समान दिशा में चालें हैं तो वो घटेंगी, ठीक है। अब कुछ और इनके बीच के कांसेप्ट देखते हैं। तो देखिए आगे इसमें सबसे पहली बात कि हम किसको क्या मानेंगे, ठीक है, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में नाव
की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में दो चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, एक तो धारा की दिशा में भी होती है और एक धारा के विपरीत होती है। तो हमें अभी देखना क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम का मतलब कि अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो हमें बल कम लगाना पड़ता है और मेहनत कम पड़ती है ना किसी चीज़ में। अगर हमें तालाब में तैरना है, अगर उसी हम धारा के प्रवाह की ओर अगर तैरते जाएंगे तो हम जल्दी से पार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें धारा के विपरीत आना हो तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो हम धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी उसको मान लेते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है, यू। और जो धारा के विपरीत दिशा में होती है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, वो अपस्ट्रीम होती है, ठीक है, अपस्ट्रीम, इसको बी से डिनोट कर लिया हमने, ठीक है। धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम को हमने मान लिया यू, अपस्ट्रीम को मान लिया वी, ठीक है। अब इसको हम और, तो धारा की दिशा में हमने क्या बताया था, अभी हमने इसके पहले दो नोट्स बताए कि धारा की हमेशा दिशा में हो तो चालें जुड़ती हैं, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें चालें घटती हैं तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। बस यही दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि दो जब क्या हो, दिशा में हो तो फिर दोनों जुड़ेंगी, और विपरीत दिशा में हो तो दोनों घटेंगी, ठीक है। तो ये था डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको हम ये भी कह सकते हैं यू बराबर एक्स प्लस वाई और वी बराबर एक्स माइनस वाई। अब इनमें आपसे पूछेगा कि नाव की चाल या धारा की चाल बताइए, ठीक है, इसी से पूछेगा आपको कि नाव की चाल या धारा की चाल बताइए। तो देखिए, नाव की चाल और धारा की चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है, और इसी के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें काफ़ी लंबी श्रृंखला क्वेश्चनों की करेंगे, और आप लोगों को अब डेली वीडियो मिलते जाएंगे, क्योंकि हमारे पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा मैं वीडियो जल्दी दे नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन बाद आपको डेली एक वीडियो अपलोड होता रहेगा यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या इसमें नाव और धारा की चाल बतानी है। सबसे पहले बात आती है नाव की चाल की, ठीक है, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल, इसके इसका नाव की चाल बराबर फार्मूला होता है। इसको हम चाल को वेग भी कह सकते हैं, ठीक है, वेग भी लिखा सकता है। तो अगर कहीं पे लिखा हो कि नाव का वेग ज्ञात कीजिए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ जाना है कि वो नाव की चाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो नाव की चाल होती है उसको हम हमेशा, हमने बताया, एक्स से डिनोट कर लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन टू, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन टू, ये हमारी होती है नाव की चाल, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस वी बाई टू। अभी हमने बताया था ऊपर कि जो डाउन स्ट्रीम होता है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जो अपस्ट्रीम होता है इसको हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका फार्मूला बन गया है, नाव की चाल बराबर यू प्लस वी बाई टू, ठीक है। अब इसी में बात आती है धारा की चाल, धारा की चाल या वेग भी कह सकते हैं, धारा का वेग, तो इज इक्वल टू, इसको वाई से डिनोट करते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई टू, यानी यू माइनस वी बाई टू। ये आपका हो गया धारा की चाल बराबर, ठीक है। ये थी हमारी नाव की चाल और ये थी धारा की चाल, ठीक है ना। अब देखिए, हमें इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, वो चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना है, अगर मान लो चालें दी होंगी तो हमें जोड़ना किस में है, घटाना किस में है, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लो एक्स दिया है, पाँच दिया है, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाँच माइनस एक्स करना है या एक्स माइनस पाँच करना है। तो तुम्हें इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि पाँच और एक्स ये हैं किसकी चालें, ठीक है। हमेशा याद रखना कि धारा की चाल से जो नाव की चाल होगी वो हमेशा अधिक रहेगी, ठीक है। जो धारा की चाल होगी वो कम होगी किससे, नाव की चाल से, क्योंकि अगर हम नाव की चाल को अगर कम रखेंगे धारा की चाल को अधिक कर देंगे, ठीक है। तो अगर विपरीत दिशा में चलाएंगे तो धारा की चाल अगर अधिक होगी और नाव की चाल कम होगी तो नाव को हर बार वो पीछे धकेल आएगी, या फिर उतना आएंगे फिर वो उतना पीछे आपको धकेल आएगी, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको मिलेगा उसमें नाव की चाल सबसे ज़्यादा होगी और धारा की चाल कम दी गई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आज कॉन्सेप्ट की क्लास थी, जिसमें मैंने आपको केवल कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि कैसा इसमें आएगा और कैसा आपको देखना है। इसके बाद
अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और CGL SSC वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चंस में हम केवल 1 से 2 सेकंड का समय लेंगे करने में, ऐसी ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको केवल ज़्यादा नहीं 2 सेकंड समय देना पड़ेगा बस, क्योंकि हमें एग्ज़ाम टाइम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय होती है। आजकल कंपटीशन का दौर चल रहा है और हमें सबसे पहले एग्ज़ाम में अपना जो बचाना होता है वो होता है समय, क्योंकि अगर हमने एक क्वेश्चन में समय ज़्यादा दे दिया तो हम अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आगे हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो अपने कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले समय बचाना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक शेयर और शेयर करिए और सभी से सब्सक्राइब भी करवाइए, ठीक है। और हम आपको अगले जो वीडियो होगी वो आपको आती जाएगी, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, सारी वीडियो आप वहाँ पर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।